बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब, आज की रेसिपी का भी आपको इंतज़ार होगा। कल हमने आपके साथ शेयर की थी प्रॉन्स बिरयानी, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों ने पूछा जी प्रॉन्स पुलाव, तो इंशाल्लाह प्रॉन्स पुलाव जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वीक में आप लोगों के लिए बिल्कुल यखनी पुलाव बन रहा है, और क्योंकि वो लास्ट वीक में हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी यखनी पुलाव की, तो इस वीक में हम आपके साथ शेयर करेंगे यखनी पुलाव। और मेरे ख्याल में डे कल या इंशाल्लाह परसों बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई पुलाव की। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही यमी सी, आज आपके साथ हम डेजर्ट बना रहे हैं। और सैक के यहाँ पर हमारे पास कलर्स भी मौजूद हैं, सैक के हमारे पास एसेंस मौजूद हैं, और इन्हीं को आज हम यूज़ करके आप लोगों के लिए बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा केक के साथ। हम बनाएंगे केक संडेज, ठीक है जी, केक संडेज बनाएंगे। और उसके साथ साथ जनाब, आज कुछ कपकेक्स जो है उसको आइसिंग करना भी मैं आपको बताऊंगा, कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि जी आइसिंग का प्रॉपर तरीका बता दें, कि क्रीम कौन सी, हम जब पैकेट की क्रीम लेते हैं तो वो व्हिप नहीं होती, यानी कि वो जमती नहीं है, तो उसका जमाने का क्या तरीका है। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पर बात करते हैं क्रीम की। ये एक क्रीम है, ठीक है, ये पैकेट की क्रीम है, ठीक है। तो ये जो पैकेट की क्रीम होती है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इससे आप आइसिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये है सिर्फ और सिर्फ क्रीम, ठीक। तो इससे आप आइसिंग नहीं कर सकते, ये आप मीठे में डाल लें या कुकिंग में डालने व्हाटएवर तो हो जाएगी, लेकिन इसकी आइसिंग व्हिप नहीं होती है। लिखा हुआ होता है इसके ऊपर कि व्हिप क्रीम, लेकिन ये व्हिप नहीं होती। अच्छा, अब ये तो बात हो गई इस क्रीम की। ये जो मेरे पास क्रीम है, ये क्रीम कहलाती है व्हिप क्रीम, ठीक है। अब ये बहुत सारी कंपनीज में आती है, सिल्वर के नाम से आती है, उसके अलावा विपी व्हिप के नाम से आती है, और बहुत सारी और कंपनीज के नाम से ये व्हिप क्रीम मिलती है। इसका पैकेट अलग होता है, और ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर में, फ्रीज़र के, जहाँ भी आप कह रहे हैं कि फ्रोज़न आइटम होते हैं, मक्खन वगैरह फ्रोज़न, वहाँ उस सेक्शन में आपको ये मिलेगी, ठीक है। तो ये क्रीम आपको उस सेक्शन से मिलेगी जहाँ पे फ्रीज़र्स होते हैं, तो ये कहलाती है व्हिप क्रीम। अब इसको तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। और आई गेस आपकी कॉल में कोई डिस्टर्बेंस है, आपने टीवी का वॉल्यूम आई गेस ऑन किया हुआ है, तो आपको जब कॉल पे होल्ड करा दिया जाए तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, ताकि मेरी आपसे अच्छे से बात हो सके। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि व्हिप क्रीम आपको चाहिए होती है, और इस व्हिप क्रीम में ये थोड़ी सी जमी हुई होती है, इसको आपने इस तरह से किसी भी बाउल में निकाल के रख दें आधा एक घंटा, तो उससे क्या होगा, ये थॉ हो जाएगी। थॉ कहलाती है कि ये अपने एक्चुअल आप कह लें कि लिक्विड टाइप में आ जाएगी, ठीक है। अब इस क्रीम में हमने चीनी वगैरह नहीं डालनी होती, चीनी ऐड होती है, ये मीठी क्रीम होती है। इसको हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, व्हिप करना होता है, ठीक है। तो अब इसको हम व्हिप करेंगे। अच्छा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत होती है, और इसके लिए हम ले लेते हैं बीटर, ठीक है। एनेक्स का मेरे पास बीटर है, इन केस अगर आपके पास ये बीटर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्रीम व्हिप तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी। और उसमें ये है कि आप हैंड मिक्सर से जो है उसको आराम से इसको व्हिप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास हो जाएगी रेडी। चलिए, ये हो गया रेडी, और चलिए
अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब इसको हमने व्हिप करना है, ठीक है। तो इसको हम ज़रा कर लेते हैं रेडी, इससे आपकी आपका काम जो है ज़रा जल्दी हो जाता है, ठीक। बस अब हमने इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बस आपने इसको बीट करना है और ये खुद ब खुद आप देखेंगे कि जब आप इसको बीट करना शुरू करेंगे थोड़ी देर के बाद, 5-10 मिनट के बाद ये व्हिप होना शुरू हो जाएगी, जमना शुरू हो जाएगी। अच्छा अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है, आपने देखा पहले ये बिल्कुल डाउन थी, अब ये थोड़ी सी अप होना शुरू हो गई है। ठीक है ये देखें अभी ये रनिंग है, यानी कि ये अभी आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से लिक्विड में अभी हमारे पास आ रही है। ये जब तक आपने फेंटना है कि ये अपनी जगह रुक ना जाए, तो इसको दोबारा फेंटेंगे। अब चेक करते हैं, ये देखें ये अब हमारे पास देखा रुकना शुरू हो गई है। तो अब इसका एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से आप इसको चेक करेंगे। जब आप प्याला उठाएंगे तो ये देखें अभी भी ये क्या हो रही है, बह रही है, ठीक है, इधर आ रही है। तो अब इसका मतलब है कि अभी भी व्हिप नहीं है, प्रॉपर व्हिप नहीं है, इसको हम और मज़ीद व्हिप करेंगे। अच्छा अभी तो क्योंकि ठंड है, थोड़ा मौसम सही है, गर्मियों में आप क्या कर सकते हैं कि गर्मियों में या तो ऐसी जगह पे इसको व्हिप करें कि जहाँ ज़रा आप कह लें कि ठंडक हो, या फिर एक बर्फ़ का बाउल नीचे रखें और उसके ऊपर ये बाउल रख के फिर आप इसको व्हिप करें। और अब इसको हम देखते हैं, ये देखिए अब इसका तरीका ये है, आप इस बाउल को ऐसे ये ठीक है, आपने ये इसको उल्टा किया, क्रीम गिर नहीं रही, तो ये हमारे पास क्रीम व्हिप हो गई है। शहजादी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजादी। वालेकुम अस्सलाम जी, जी कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं?
जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जब भी जी कराची से पकोड़े बनाती हूँ ना जी, तो वो ना कड़ी कड़ी में डालने के बाद सख्त क्यों हो जाते हैं? सख्त हो जाते हैं। अच्छा, उसमें उसमें ये है कि आप बेसन को भिगो यानी कि थोड़ा सा घोलने के बाद उसको थोड़ी देर रेस्ट दे दिया करें, ठीक है? और आप खाली खाली पकोड़े बनाती हैं या बीच में कुछ ऐड करती हैं, आलू वगैरह? नहीं नहीं सिर्फ प्याज प्याज डालती हूँ, हरी मिर्चे और हरा धनिया बस। ठीक है, आप उसमें ये किया कीजिए कि हल्का सा लाइक चौथाई चाय की चम्मच खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर डाल दिया करें। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप एहतियातन डालना चाहें तो डाल सकती हैं, नहीं तो सिर्फ क्या है कि आप जब बेसन को घोलें तो उसको 15-20 मिनट थोड़ा रेस्ट दे दें, उसके बाद फिर आप उसमें मिक्स करके पकौड़े बनाएं तो इंशाल्लाह सॉफ्ट बनेंगे। और जो है उसके अलावा जो ऑयल है, जब आप पकौड़े फ्राई करने के लिए डालें, ऑयल थोड़ा सा अच्छा नीम गरम, मतलब थोड़ा सा गरम होना चाहिए, बहुत ठंडा ऑयल ना हो। ठंडा ऑयल होगा तो आपके पकौड़े सख्त हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल होगा तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑयल होना चाहिए जिसमें आपने पकौड़ों को फ्राई करना है। चलिए जी, हमारे पास क्रीम विप हो गई है, और उसके अलावा अब आगे का प्रोसीजर क्या है, इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, ये सब आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हमने लेनी है पैकेट की क्रीम, ठीक है? अभी तो हमने विप क्रीम को विप कर लिया था, अब मैं इसमें सेकंड जो हमारे पास एक प्याला है, इसमें हम ये पैकेट की जो क्रीम है इसको हम ले लेंगे, ठीक है? और इसको अब आपकी चॉइस है, मैं जैसे स्ट्रॉबेरी के साथ बना रहा हूँ स्ट्रॉबेरी संडे, आप चाहे पाइनएप्पल बना लीजिए, मैंगो बना लीजिए, वॉट एवर जिस फ्लेवर में आप चाहें तो आप बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें सैक का मैंगो मौजूद है, मैंगो के अलावा स्ट्रॉबेरी भी मौजूद है, ठीक है? और पाइनएप्पल भी है, सब बहुत सारे और हैं यहाँ पर, रोज़ भी है, ठीक है? उसके अलावा रूह अफ़ज़ा है, जो भी आपको चाहिए फ्लेवर वो आप ले सकते हैं। तो मैं इसमें से पिक कर रहा हूँ ये स्ट्रॉबेरी, ठीक है? स्ट्रॉबेरी एसेंस मैं डालूँगा इसमें तकरीबन एक चाय का चम्मच, ठीक है जी? स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दिया, स्ट्रॉबेरी एसेंस के साथ अब मैं इसमें डालूँगा, पहले इसको मैं मिक्स करूँगा और इसमें ऐड करूँगा मैं, उप्स मेरे इसमें लग गया। अच्छा, इसके साथ अब मैं इसमें ऐड करूँगा कंडेंस मिल्क, ठीक है? कंडेंस मिल्क में ऐड कर रहा हूँ और क्रीम को स्ट्रॉबेरी एसेंस और कंडेंस मिल्क के साथ अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसका फ्लेवर जो है वो आ जाएगा स्ट्रॉबेरी के साथ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास अच्छे से इसको मिक्स किया। और अब मैं क्या करूँगा, इसमें चाहें तो इसको स्ट्रॉबेरी कलर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा, ओप्स मैंने आज ये क्रीम गलत रख ली हुई है और मेरे सारे इस पर लग रही है। और यहाँ पे भी लग गई, हाँ जी ठीक है।
चलें जी, ये तो हमारे पास चलें, ये तो होता रहता है। अब क्या करेंगे, पहले मैं काउंटर को ज़रा क्लीन करूं, और अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूं स्ट्रॉबेरी रेड कलर, ठीक है, सैक का रेड फूड कलर हम ऐड कर रहे हैं ताकि स्ट्रॉबेरी कलर हम दे सकें। लाइट हमने रखना है, ठीक है, तीन मैंने ड्रॉप्स इसमें ऐड किए, ठीक है, लाइट, ये देखें स्ट्रॉबेरी कलर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी कलर में ये हो गया रेडी। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से केक, और इस केक को मैं कट कर लूँगा ऐसे राउंड में, ठीक है, और उसके बाद अब इस पर मैं ऐड करूँगा जो हमने क्रीम बनाई है वो ऐड करेंगे। और उसके ऊपर फिर हम इसकी जो आइसिंग है वो आपके लिए तैयार करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी बाउल में हम एक और जो हमारे पास क्रीम है विप क्रीम, अब मैं इसमें से थोड़ी सी विप क्रीम इसमें ऐड करूँगा, ठीक है, और इसमें अब मैं इस कलर को थोड़ा डार्क करूँगा, तो मैंने इसमें कलर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। ठीक है जी, और अब मैं ले लूँगा पाइपिंग बैग जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और इसके आगे हम लगाएंगे नोज़ल, तो इसको मैं आगे से कट कर देता हूँ। ये हमने इसकी आगे से जो नोक थी, टिप थी, वो काट दी, और अब इसको हमने जो भी नोज़ल आपके पास है, आपको पसंद है जिस भी डिज़ाइन में, वो आप नोज़ल इसमें फिक्स करें, ठीक है, और अब इसमें हम क्रीम को फिल करेंगे, और मैं दूसरा स्पैचुला ले रहा हूँ, ठीक है, सारी की सारी क्रीम हम इसमें फिल करेंगे।
ठीक है, इस तरह से इसको हमने फिल कर लिया। इसको आप नीचे ले आए। चलो ठीक हो गया ये सारा काम। और अब ग्लास में अब हमने इसको फिल करना है, ठीक है। ये देखो, अब चाहें तो आप सेंटर में एक इस तरह से फ्लावर बना सकते हैं, चाहें तो आप इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आपकी चॉइस है कि किस तरह से आप इसको फिल करना चाहेंगे। मैं इसको अब सिर्फ बेस में फिल कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही डिज़ाइन हो गया, एक ही हमने इसको सिर्फ और सिर्फ बेस में फिल किया, ठीक। और इसको भी हम बेस में फिल करते हैं, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक सिंपल इनको फिल कर दिया, ठीक है। अब ये भी हमारे पास जो डेजर्ट है वो तैयार है। अब इसमें आप ऑप्शन आपके पास है, डिफरेंट डिफरेंट आप इसमें मज़ीद चीज़ें कर सकते हैं। मैं अभी आपके सामने करूँगा। एक तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ केक के साथ, आप इसको चाहें तो केक के साथ भी इसको आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं, राइट। ये और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। और डिफरेंट क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास दो प्याले हैं। अब इस क्रीम को हम दो कलर में कन्वर्ट करते हैं, सेक के दो डिफरेंट कलर्स, और ये तीन तीन कलर्स में हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपकी चॉइस है, जो भी आपके पास कलर्स हैं वो आप इसमें इनको फिल कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये येलो कलर है, इसको मैं येलो कलर से बना देता हूँ। और एक मेरे पास पर्पल है, तो एक को हम पर्पल से करते हैं। और इसमें बहुत सारे लाइक आप कह लें कि कलर्स अवेलेबल हैं, जो भी कलर आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। और इसकी सील बहुत अच्छी सी सील है, इसको आपने सील को हटा लेना है, ठीक। और उसके बाद फिर आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास येलो हो गया, ठीक है। एक मैं पर्पल और येलो, ब्राउन भी है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको पर्पल एंड येलो के साथ, चलिए ये हो गया। अब इसको हम ज़रा मिक्स करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने इसको येलो के साथ कर दिया है, एक को हम पर्पल के साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। जी जी बोलिए, कोई फरमाइश जी। और आप बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। और मुझे एक फरमाइश भी करना थी। बताइए। हेलो जी, जी बताइए, अपनी फरमाइश बताइए। आई गेस आप चली गई। चलिए, ये हमने इसको पर्पल कर दिया, और एक हमारे पास ये पर्पल एंड येलो है। और इसमें अब मैं डालता हूँ थोड़ा सा रेड कलर, ठीक है। तो ये थोड़ा
ऑरेंज की शेड में आएगा। मिक्सिंग करके आप अपने कलर्स भी बना सकते हैं, अगर आपको पता है कि कौन से कलर से क्या बनता है, ठीक है। जैसे कि रेड एंड येलो को मिक्स करेंगे तो ऑरेंज बन जाएगा, ठीक है। येलो एंड नवाज हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, फिर मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, चलेंगे कॉलर चले गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑरेंज सा पीच सा कलर आ गया है क्योंकि हमने इसमें पर्पल भी डाला। तो ये देखें, तीन हमारे पास ये कलर्स आ गए हैं रेडी होके। और अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं साफ़ करता हूँ ताकि मुझे ये थोड़ा सा मज़ीद चाहिए व्हिप करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने व्हिप क्रीम को जब यूज़ करना है तो उसी वक्त आप उसको व्हिप करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपने देर तक रखना है तो फिर आप इसको व्हिप करके क्रीम को और फिर फ्रिज में रखें, ठीक है। नीचे नहीं तो ये क्या होती है, लूज़ हो जाती है, तो आपकी फिर व्हिपिंग अच्छी से नहीं होगी। अब आप सेकंड अपना ये ले लीजिए बैग, और इसमें भी हम नोज़ल लगा लेते हैं। अब चाहे तो आप वही नोज़ल लगा लें, चाहे तो आप कुछ और नोज़ल लगा लीजिए। इसको भी हम ठीक है। ये बड़ा आराम से तसल्ली से करने वाला काम है, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो मैं फिर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने केक रख दिया, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी केक के साथ आपने इसकी सेटिंग कर दी। इसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक अब आप इसको लाइक इस तरह से थोड़े से ड्रॉप कर सकते हैं, और फिर आप इसके सेंटर में भी दे सकते हैं। अभी आपकी चॉइस है, दो कलर, तीन कलर, एक कलर, वॉट एवर, जो भी आप जिस तरह से भी चाहें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अब जो है इसी तरह आप येलो के साथ कर लीजिए, येलो एंड पर्पल के साथ मिक्स करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें देखिए येलो डालूंगा तो थोड़ा सा ये मिक्सिंग कलर हो के आएगा। टेक्निक्स बहुत सारी हैं लेकिन टाइम हमारे पास क्योंकि शॉर्ट होता है तो
कोशिश करेंगे किसी दिन बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आपके साथ शेयर करें। इसको अब हम येलो एंड पर्पल के साथ बनाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि पर्पल एंड येलो दो कलर में और एक ही नोजल से आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस बना सकते हैं। ये देखें, मैं इधर लाके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से देखें, एक ये हमने डिज़ाइन बना दिया। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या क्या डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें मैंने डिफरेंट कर दिया है, इसमें मैंने डिफरेंट कर दिया है, ठीक है। ये तीन हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर दी हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट केक्स पर भी आप इससे बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक तो बहुत ये सिंपल है, ठीक है, ऐसे ऐसे रख के ऊपर खींच लेंगे तो ये देखें अलग डिज़ाइन बन गया, यहाँ मैंने अलग कर दिया। तो एक ही टिप से बहुत सारे डिज़ाइंस जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अच्छा अब हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा पर्पल के साथ कर लेते हैं, पीच कलर। मिसेस सईद हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मिसेस सईद कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे मैं फर्स्ट टाइम आप का शो देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल की है, कॉल मिल गई है। मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मुझे भी आपकी आवाज़ ना कट रही है। हेलो, ज़रा सा सुन के बता दीजिए मुझे, बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपको जवाब देता हूँ, मैं आप सुन लें तो मुझे बता दें। कॉल ड्रॉप हो गई है, सो सॉरी। चलिए जी, हमारे पास एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और तो इसको एंजॉय कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको आज का ये मीठा जो है वो कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला और बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। इजाज़त दीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।